कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं मैथ्स में आप सभी के लिए अलजेब्रा के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया हूं। आप तमाम बच्चे मेरे साथ जुड़िए और अलजेब्रा के प्रश्नों को बनाना सीखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत ही आसान है। लेकिन सबसे पहले आसान तो तभी होगा ना जब आपको बनाने आता होगा, है ना। सबसे पहले बच्चों मैं कुछ कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या करिए, पहले समझिए, ध्यान देना आप। बच्चों देखो, जब कभी भी कुछ इस फॉर्म में आपको सवाल मिले, जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वन बटे एक्स इज इक्वल टू क्या है, टू है, ठीक है। पहले पूरा बेसिक को समझिए, है ना। जब बेसिक समझ जाएंगे बच्चों तो ऑटोमेटिक आप बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो पहले हर क्वेश्चन का बेसिक भी आना चाहिए। बच्चों एक बात बताओ, इसे जब सॉल्व करिएगा तो आप एलसीएम लो, एलसीएम लेने सभी को आता है। एक्स और वन का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स, राइट। वन से एक्स में डिवाइड करेंगे, एक्स बार में कटेगा और एक्स गुणा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर प्लस एक्स से यहाँ डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा, एक गुणा एक दैट इज वन, और ये किसके बराबर हो गया, टू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स। सभी को एक तरफ ले आए तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सभी को एक तरफ ले आए। अब जब सभी को एक तरफ लाए तो यहां से यहां जो एक एक्सप्रेशन दिख रहा है बच्चों, क्या आप उसे ऐसा लिख सकते हो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। बिल्कुल। क्या आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस टू ए बी, यही तो होता है फॉर्मूला। क्या देखो उस फॉर्म में है, यदि इसे हम x माइनस वन का होल स्क्वायर लिखे हैं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ो इसको तो देखो यही चीज़ सेम मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी दो गुणा एक्स गुणा वन दैट इज माइनस टू एक्स, राइट। और ये किसके बराबर, तो आप कहेंगे जीरो के बराबर। यहाँ से बच्चों एक्स माइनस वन का वैल्यू जब आप पता करो, स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल, जीरो का वर्गमूल दैट इज जीरो, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ एक्स का वैल्यू क्या मिला, वन मिला, एक्स का वैल्यू क्या मिला, वन मिला। अब बच्चों इस बात को हम लोगों को सदा के लिए याद रख लेना। क्या याद रखोगे कि कभी भी यदि हमें x प्लस वन बटे एक्स बराबर यदि दो मिले, अभी एक ही कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं और एक ही कॉन्सेप्ट से आधारित सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो x प्लस वन बटे एक्स बराबर दो यदि नजर आ जाए, क्या है देखो, एक x है और x का ही व्युत्क्रम दैट इज वन बटे एक्स, और दोनों के बीच प्लस का सिंबल लगा हुआ है, और यह किसके बराबर होना चाहिए, दो के ही बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा कहीं भी नजर आ जाए बच्चों तो आप यहां से तुरंत समझिएगा कि x का मान क्या होने जा रहा है, वन होने जा रहा है। x का मान क्या होगा, वन होगा। इस बात को हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए, राइट बच्चों। साथ ही साथ x प्लस वन बट एक्स बराबर दो यदि है तो आप x का मान तुरंत क्या समझोगे, वन समझोगे। एक बात और, कभी इस स्टाइल में भी यदि नजर आ जाए, कभी इस स्टाइल में भी नजर आ जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर यदि जीरो है, क्योंकि इसी को सॉल्व करते करते आप यहां आए हैं और कई क्वेश्चन एग्जाम में इस फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगा, तो आपको जैसे ही ये फॉर्म भी नजर आ जाए आप तुरंत समझ जाना कि एक्स का मान क्या है, वन है। मतलब यहां सब दो बात आपको याद रखना है बच्चों कि यदि एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर यदि दो है तो आप यहां से तुरंत समझेंगे कि x का मान क्या है, 1 है। एकदम दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कि x का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक यदि इस स्टाइल में भी यदि लिखा हुआ मिले, या तो कभी इस स्टाइल में क्वेश्चन मिलेगा या तो इस स्टाइल में मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ऐसा भी मिल सकता है बच्चों। तो जब कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो नजर आ जाए आप तुरंत समझ जाना कि x का मान क्या है, 1 है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखें, राइट बच्चों। चलिए यदि इतनी बात आप सीख गए तब सवाल शुरू करो
और देखो कैसे अलजेब्रा का सवाल फटाफट बनना शुरू हो जाएगा। x प्लस वन बटे एक्स बराबर दो दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि x प्लस वन बटे एक्स यदि दो के बराबर है तो आप तुरंत समझ जाओ कि x का मान क्या है, वन है, यानी आपने तो x का ही मान पता कर लिया। तो x का मान पता कर लिए तो जो कुछ भी पूछ रहा है वह x का मान बैठा दीजिए। तो x के जगह 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 का स्क्वायर, यानी ये 1 और ये भी 1 ही रह गया, 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत आसानी से सवाल आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझे होंगे और एग्ज़ाम में क्या अप्रोच लेना है वो भी समझ गए होंगे। तो बच्चों एग्ज़ाम का अप्रोच अलग चीज़ होता है, कॉन्सेप्ट अलग चीज़ होता है। कॉन्सेप्ट भी सीखना है और एग्जाम में कौन सा अप्रोच लेना है जिससे कम समय में अधिक से अधिक सवाल को सॉल्व कर पाए, ये तरीका तो जरूर सीखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या लग रहा है उसी पैटर्न पर ये सवाल पूछ दिया है, सेम। देखो x प्लस वन बट एक्स बराबर दो दिया हुआ है, यहां से तुरंत समझ जाना कि x का मान क्या है, वन है। एक्स का मान क्या समझोगे, वन। अब जैसे ही एक्स का मान वन हुआ तो यहां वैल्यू बैठाओ, x का मान 1, और बच्चों 1 पर कोई भी पावर रख दिया जाए, 1 पे कुछ भी पावर रख दो उसका वैल्यू 1 ही होता है, बशर्ते कि पॉजिटिव पावर होना चाहिए। पॉजिटिव पावर 1 पे पावर आप कुछ भी रख दो, ऐसे 1 पे पावर नेगेटिव भी रखेंगे ना तो उसका भी वैल्यू 1 ही होगा। जैसे 1 पे पावर माइनस 2, इसका मतलब 1 बटे 1 का इसका, तो माइनस पावर हो 1 पे, माइनस पावर हो या फिर प्लस पावर हो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, वन ही होता है, ये बात भी याद रखिएगा। तो आपने यहां से समझ गया कि एक्स का मान क्या होगा, वन होगा। अब वन पे पावर 100 मतलब वन, और वन पे पावर 100 दैट इज वन, वन प्लस वन बटे वन, वन बटे वन यानी वन ही ना, तो वन प्लस वन मिलके क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, यानी यहां भी आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को सच बताइए क्या देखते ही उत्तर नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, राइट बच्चों। तो बेसिक जो सीखा है वो भी समझ के रखिएगा, साथ ही साथ यहाँ से कैसे हम फास्ट एग्जाम में आंसर क्लिक करेंगे वो भी तरीका आपको याद रखें। देखो क्या वही सवाल देखो परीक्षा में पूछा है कि नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे के सारे बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन है, सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट से कैसे परीक्षा में घुमा फिरा के सवाल पूछता है, वही फिर दिया x प्लस वन बट एक्स बराबर दो, आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू, तो जैसे ही ये टर्म मिला आपके दिमाग में तुरंत हिट होना चाहिए कि एक्स का मान क्या होगा, वन होगा। अब एक्स का मान वन होगा तो एक्स के जगह वन बैठाओ, वन का वर्गमूल वन ही हो जाता है, वन का वर्गमूल क्या होगा बच्चों, वन ही होगा, और वन बटे वन का वर्गमूल वन, तो वन प्लस वन दैट इज यहां भी आंसर क्या हो जाए, दो ही हो जाए, वेरी सिंपल। मुझे उम्मीद है बच्चों आप समझ रहे होंगे। फिर देखो मैंने एक वैरायटी का सवाल इसलिए लाया है कि एक साधारण एक कमजोर बच्चा भी इस पैटर्न को पकड़ ले और जब एग्जाम में सवाल आया तो आसानी से बना दे। तो बच्चों इसी तरह से लगातार मैं आपके बीच अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का ला के आप सभी को सिखाता रहूँगा। वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चन पूछते हैं, हर वैरायटी के कॉन्सेप्ट का आपको पहले सीखना होगा, फिर एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए उसे अप्रोच को भी सीखना होगा जिससे आप फास्ट बनो। पहले एक टाइप, आज मैं एक टाइप अलजेब्रा का एकदम बेसिक एक टाइप सिंपल टाइप में लाया हूं, इसको एकदम प्रेम से सीखो। x प्लस वन बट एक्स बराबर दो है, तुरंत दिमाग में क्या हिट हो गया कि x का मान क्या होगा, वन होगा, तो x का मान वन होगा, वन पे पावर सेवन, वन पे पावर कुछ भी रखो ना वन ही तो होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, वन प्लस ऊपर में दो है और x पे पावर छः यानी वन पे पावर छः, वन पर पावर छः मतलब वन, यानी वन प्लस टू दैट इज कितना हो गया, तीन हो गया, आंसर क्या डाल देंगे आप, तीन, वेरी सिंपल, यस। अगला क्वेश्चन माओ बच्चों देखो क्या, ये वाला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, यदि x प्लस वन बट एक्स बराबर दो, क्या वही क्वेश्चन है या नहीं है, और देखो पूछने का तरीका परीक्षा में कैसे कैसे सवाल लाते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से कई बार रिपीट हो रहा है। यहां भी वन पे पावर 2013 और 2014, पावर कुछ भी रख दे, वो 9 करोड़ रख दे, 2 करोड़ रख दे, वैल्यू तो वन ही होगा बच्चों, इसका भी मान वन और इसका भी मान वन, वन प्लस वन दैट इज आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को तब देखते ही आंसर लगा देंगे ना, देखते ही उत्तर लगा दोगे ना, बिल्कुल यस डेफिनेटली बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, ये रहा 2x प्लस 1 बटे 2x बराबर 2। अब आपको लग रहा होगा यहां सर कुछ चेंज सा नजर आया,
नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, अभी भी उसी पैटर्न का सवाल है बच्चों, अभी भी उसी पैटर्न का सवाल है। अभी आपने कौन सा पैटर्न पढ़ा? आपने पढ़ा कि यदि x प्लस वन बटे एक्स बराबर यदि दो है तो आप यहां से तुरंत समझ जाते हो कि x का मान क्या होगा, वन होगा। लेकिन इस सवाल में देखो x के जगह क्या हो गया, 2x हो गया, जहां जहां x वहां क्या हो गया बच्चों, 2x हो गया। तो जब x था तो आप x का मान वन समझते थे, तो x के जगह जो टर्म आ जाएगा उसका वैल्यू वन समझ लेना। यानी यहां पर x का मान नहीं वन बल्कि 2x का मान क्या समझ लीजिएगा, वन समझ लीजिए। किसका मान वन समझोगे बच्चों, 2x का मान, क्योंकि x के जगह तो 2x आ गया, तो 2x का मान यहां से क्या समझेंगे, वन समझेंगे। तो आप ही बताओ x का मान यहां से क्या हो जाना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, x का मान 1/2 होना चाहिए। अब x का मान पता चल गया तो इसका वैल्यू बताना है आपको, आ जाओ। तो x का मान क्या है बच्चों, 1/2, तो नीचे 1/2 आएगा तो ये क्या होगा, रिवर्स होके उलट जाएगा, 1/1/2। तो 1/2 नीचे वाला भिन्न क्या होता है, किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में किसी भी भिन्न से यदि भाग देते हो तो नीचे वाला जो भिन्न है बच्चों वो उलट के गुणा होता है, एन बटे एम हो जाएगा, इस बात को भी याद रखिए। तो 1/x का मान क्या है बच्चों, x का मान 1/2, तो ये 1/2 उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये ऐसा टर्म देखो मैं समझा रहा हूं, 1/1/2 होगा ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 गुना ये उल्टेगा तो हो जाएगा 2/1, क्या हो जाएगा 2/1। यानी 1/1/2 मतलब 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस अंदर वाले का मान 2 हुआ, बोलो हाँ यस, इस अंदर वाले का भी मान क्या हुआ, 2 हुआ। 2 पे पावर 4 करो, 2 पे पावर 4 यानी 16, 2 पे पावर 4 यानी कितना बच्चों 16, 2 पे पावर 4 कितना हो गया 16, और पहले से 2 है, 16 दूनी 32, और 2 पे पावर 5, 2 को 5 बार गुना करो तो वो भी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 32 और 32 मिलके कितना होता है, 64 होता है, और 64 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए 8 होता है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्या आपको नहीं लगा कि उसी कॉन्सेप्ट से ये सवाल पूछे, बिल्कुल पूछा जी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लाता हूं, ये देखो, जो मैंने बताया कि दो फॉर्म, सही चल रहा है ना, दो फॉर्म। एक पहला फॉर्म बच्चों आपको मैंने क्या सिखाया कि x प्लस 1/x बराबर यदि बच्चों 2 रहेगा तो यहां से आप तुरंत समझ जाना x का मान 1 होगा। अब ये चीज ना लिख के इसी का फॉर्म चेंज कर देगा, फॉर्म चेंज कर देगा x²-2x+1=0। और ये भी कैसे आया, शुरुआत में मैंने समझाया था, इसी को सॉल्व करते हुए ये टर्म आता है। तो ये वाला भी टर्म यदि नजर आ जाए कहीं भी तो भी आप x का मान क्या समझिएगा, हमेशा 1 समझिएगा। देखो तो x²-2x+1=0 है या नहीं, बिल्कुल है। तो यहां भी आप तुरंत क्या समझेंगे, यहां से तुरंत समझ जाओगे कि यहां से x का मान हमें क्या मिलने जा रहा है, 1 मिलने जा रहा है। तो x का मान 1 बैठा दीजिए ना, 1 पे पावर 4, 1 1+1/1, दैट इज 1+1, यानी आंसर क्या होगा बच्चों, 2। मुझे उम्मीद है कि आप शायद समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर, ये रहा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो पक्का पैटर्न चेंज कर दिया, ये तो पक्का पैटर्न चेंज कर दिया। खुद देखो सवाल, देख के तो लग ही रहा है कि पैटर्न चेंज सा लग रहा है, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं, उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी सवाल है। ब्रेन को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए, सोचने की शक्ति को बढ़ाइए, आपको लगेगा कि वही सवाल। देखो मैं कैसे आपको सिद्ध कर देता हूं कि उसी पैटर्न पर यह सवाल है, बशर्ते कि लिखने का तरीका, जैसे कभी उसने लिखा x+1/x = 2 तो वहां से भी x का मान 1 समझे, और कहीं उसने लिखा x²-2x+1=0 तो यहां से भी आपने x का मान क्या समझा, 1 समझा ना। और यहां पर भी देखते हैं कैसे वैल्यू निकालते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले तो आपने क्या सीखा कि यहां पर जो होता है राइट साइड तो 2 होना चाहिए, राइट साइड क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना, लेकिन यहां तो 4 है तो क्या दिक्कत है, 4 से 2 बाहर कर लीजिए, 4 को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, 2+2, और जो 2 बचा उसको क्या करिए आप लेफ्ट साइड ले आइए। इस 4 को बच्चों तुम 2+2 लिख सकते हो कि नहीं, बोलो हाँ यस लिख सकते हैं। तो 1 2 को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा a+2, और सॉरी a+2 नहीं, माइनस होगा ना बच्चों,
उधर से जब प्लस आएगा इधर तो माइनस आएगा ना, उधर प्लस दो है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस दो ए माइनस दो, बीच में प्लस, फिर वन बटे ए माइनस दो, और उधर क्या बचा, दो बचा। देखो क्या उसी पैटर्न पर सवाल सेट हुआ या नहीं हुआ। वो पैटर्न क्या था, एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर दो था या नहीं, बिल्कुल था। लेकिन अब यहाँ x नहीं, x के जगह क्या आ गया, a माइनस दो, तो वहाँ x बराबर वन मानते थे, यहाँ पे अब आपको क्या मान लेना होगा, a माइनस टू बराबर वन, क्योंकि x के जगह a माइनस दो आ गया ना, तो x के जगह जो कुछ आएगा उसी को वन मानना है। तो a माइनस दो किसके बराबर हो गया, वन के बराबर। तो यहाँ से बताओ a का मान कितना हो जाएगा, दो प्लस एक तीन, वेरी सिंपल, a का मान पता चल गया, वैल्यू बैठा दो, तीन माइनस दो दैट इज एक, एक का स्क्वायर प्लस वन बटे तीन माइनस दो दैट इज एक, और ये कंबाइंड स्क्वायर, तो वन प्लस वन फाइनली यहां भी आंसर क्या हो गया, दो ही तो हो गया, राइट बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप सवाल को समझ पा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ये तो डायरेक्ट ही उठा के डाल दिया कि एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर यदि दो है तो यहां से तुरंत समझना है कि x का मान क्या होता है बच्चों, वन ही तो होता है, और x का मान वन है, सीधा वैल्यू बैठो, वन प्लस वन बटे वन दैट इज वन, वन और वन यहां से क्या मिला, टू मिला, और इन टू में, और ये भी वन प्लस वन टू ही तो होगा, तो दो गुना दो मिलके कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक ही पैटर्न पर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, बशर्ते कि आपके पास थोड़ा सा ब्रेन तो होना ही चाहिए। देख रहे हैं ना कैसे सवाल को थोड़ा सा मूव करता है, तो उस मूवमेंट के लिए खुद को तैयार रखना है बच्चों, राइट। चलो अगला सवाल देखो, क्या क्या ये नहीं लग रहा है उसी पैटर्न पे फिर से सवाल है, यस, एक्स प्लस वन बट एक्स बराबर दो, बच्चों एकदम रटा जाना चाहिए, एक्स प्लस वन बट एक्स बराबर दो, तो एक्स का मान क्या होता है, वन होता है। अब यहां वन बैठाइए, वन पे पावर वन दैट इज वन, अभी तक प्लस ही देता था, इस बार माइनस आया, तो वन बटे वन है ना, तो वन माइनस वन दैट इज कितना हो जाएगा, जीरो, आंसर कितना हो जाएगा, यस। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, फिर एकदम चक्कर नहीं खाना है, चक्कर नहीं खाना है बच्चों, घूमना नहीं है, सवाल को घुमा देना है। ये सवाल देखने से आपको फिर लग रहा होगा कि लगता है सर ये तो चेंज कर दिया, नहीं चेंज नहीं किया है बच्चों, चेंज नहीं किया है, बशर्ते कि आप पकड़ने की कोशिश करो। देखो कैसे बच्चों, यहां राइट साइड में आपको क्या दिखना चाहिए, दो दिखना चाहिए ना, तो चलो दो दिखना चाहिए, इसका मतलब छह को क्या आप लिख सकते हो, चार प्लस दो, यस लिख सकते हो, छह का मतलब आप क्या समझ लो, चार प्लस दो। आपको दो उधर चाहिए, दो उधर छोड़ दीजिए, बाद बाकी सभी को इधर ले आइए। थोड़ा सा बच्चों सर्दी का प्रॉब्लम हो गया है। तो जैसे ही चार इधर आएगा तो चार तो माइनस बन के आएगा ना, इधर एक्स प्लस पांच, देखो मैं सॉल्व कर देता हूं आराम से, एक्स प्लस पांच, चार को जब इधर लाएंगे तो माइनस चार हो जाएगा, और प्लस वन बटे एक्स प्लस वन, और उधर क्या बचा रह गया, उधर बचा रह गया दो। फाइनली देखो क्या हुआ, एक्स प्लस पांच में चार गया एक, प्लस वन बटे एक्स प्लस वन, और ये किसके बराबर, दो के बराबर। अब तो आपको लग रहा होगा यस सर इसी पैटर्न पर अब दिख गया, एक्स प्लस वन बटे एक्स इज इक्वल टू टू, लेकिन इस बार एक्स नहीं, एक्स के जगह क्या दिख रहा है बच्चों, एक्स प्लस वन दिख रहा है, एक्स प्लस वन दिख रहा है, तो इस बार किसको मानेंगे वन, एक्स प्लस वन को मानेंगे, किसके बराबर, वन के, एक्स प्लस वन है ना, एक्स के जगह तो एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन बराबर क्या मानेंगे, वन मानेंगे, तो एक्स का मान वन माइनस वन दैट इज जीरो, तो एक्स का मान यहां से जीरो मिला, तो जीरो बैठा दीजिए, जीरो प्लस वन दैट इज वन, वन का क्यू दैट इज वन, प्लस वन बटे जीरो प्लस वन दैट इज वन, वन का क्यू दैट इज वन, वन प्लस वन दैट इज आंसर टू, सही है बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। आइए अगला फिर देखो क्वेश्चन, बिल्कुल मैं बता चुका हूं बच्चों कि कभी किसी पैटर्न पे, कभी किसी पैटर्न पे आपको लिख के देगा, लेकिन आपके पास थोड़ा सा ब्रेन तो होना ही चाहिए कि आपको समझना पड़ेगा, करे वही तो है, बस उसका थोड़ा सा तरीका चेंज कर देता लिखने का। देखो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स बराबर जीरो, यही मैं बार बार समझा रहा हूँ कि कभी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो रहेगा,
तो कभी वो देगा x प्लस वन बट एक्स इज इक्वल टू टू, या तो ये स्टाइल या तो ये स्टाइल, क्या वही स्टाइल है ना। तो यहां से तुरंत क्या समझ जाना है, x का मान वन, x का मान वन, और जैसी x का मान वन हुआ तो वन का स्क्वायर दैट इज वन का स्क्वायर दैट इज वन, वन का स्क्वायर वन माइनस टू, एक गुना माइनस वन दैट इज माइनस वन, आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी फॉर बिहार, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन, फिर से वही सवाल, वेरी सिंपल। अब तो आप लोग बना दोगे, एक्स की जगह ए है, एक्स की जगह तो ए है, फॉर्म तो वही है ना, एक्स प्लस वन बट एक्स बराबर दो, यानी यहां ए का मान क्या समझ जाएंगे, यहां ए का मान क्या हो गया, वन हो गया, वन पे पावर कुछ भी हो वन ही रहेगा, वन प्लस वन दैट इज आंसर दो ही होगा, है ना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, फिर से वही सवाल, x प्लस वन बट एक्स बराबर दो जहां भी नजर आ जाए बच्चों, x का मान सीधा क्या समझोगे, वन समझोगे, वन पे पावर वन दैट इज वन पे पावर 99 दैट इज वन ही रहेगा, कोई भी पावर रहेगा वैल्यू वन ही रहेगा, वन पे पावर 99 वन बटे वन दैट इज वन ही होगा, माइनस टू, एक और एक दो, और दो में दो घटेगा तो जीरो, आंसर क्या गया बच्चों, जीरो, आंसर क्या गया जीरो, यस। अब इस सवाल को देखो बच्चों, इस सवाल को देखने के बाद फिर आपको लगेगा कि सर इस बार तो सच में लगता है पैटर्न चेंज हो गया, नहीं बच्चों पैटर्न चेंज नहीं हुआ, ध्यान से देखो वही सवाल तो है, आप पढ़े हो एक्स प्लस वन बट एक्स बराबर दो, और यहां सिंपली क्या किया, एक्स के जगह ए क्यू डाल दिया, तो ए क्यू दैट इज वॉट, आपको क्या मानना है, ए क्यू को वन मान लेना है, क्योंकि एक्स के जगह तो इस बार ए क्यू है ना, एक्स के जगह जो कुछ भी आएगा उसी को वन मानना है, इस बार एक्स के जगह ए क्यू है, ए क्यू बराबर क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे, ए क्यू बराबर वन, तो ए का मान कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ वन, क्यूब रूट ऑफ वन, तो क्यूब रूट ऑफ वन मतलब बच्चों वन ही होता है, क्यूब रूट मतलब किस चीज को तीन बार गुणा करने से वन आ जाए, जैसे हम कहेंगे आठ का क्यूब रूट बताओ तो दो होगा, दो को तीन बार गुणा करेंगे ना तो आठ मिल जाएगा, यदि मैं कहूं कि चौंसठ का क्यूब रूट बताओ तो चार हो जाएगा, क्योंकि चार को तीन बार गुणा करने से चौंसठ होता है, तो वन का क्यूब रूट वन ही हो जाएगा, राइट, वन का क्यूब रूट वन ही होगा बच्चों, क्लियर है। चलो तो ए का मान वन पता कर लिए, तो यहाँ पे सीधा वैल्यू बैठा दीजिए ना, ए स्क्वायर दैट इज वन, वन प्लस वन बटे वन, दो प्लस दो बटे वन दैट इज आंसर क्या हो जाएगा, दो ही रह जाएगा, वेरी सिंपल, यस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर दो, तो एक्स पे पावर सिक्स का मान बताओ क्या होगा, वेरी सिंपल, आप पढ़े हो एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर दो, लेकिन यहां x के जगह x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर को वन मान लीजिए ना, किसको मानेंगे, x स्क्वायर बराबर वन मानेंगे, तो x स्क्वायर बराबर वन, तो आपसे पूछ रहा है x पे पावर सिक्स, तो x स्क्वायर बराबर वन, तो बच्चों x का मान तो वन ही होगा ना, x का मान क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन पे पावर छह दैट इज आंसर वन, और भी है क्या, नहीं है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज जो अलजेब्रा का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके मैंने आपके बीच आया, और उससे रिलेटेड सारे सवाल को मैंने आपके बीच बनाने की कोशिश किया, उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा इन सभी सवाल जो मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मेरा आज का यदि समझाना पढ़ाना अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। बच्चों ऐसे ही आपके लिए लगातार मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेके आता रहूँगा और आपके नॉलेज को बढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।